अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। तो मैं इस टाइम आई थिंक पहुँच चुका हूँ, पहुँचा रात को था, नाश्ता वगैरह किया, अभी मैं निकला हूँ सिटी का विज़िट करने के लिए। यहाँ से सोच रहा हूँ कि वॉक करने के बजाय मैं इधर से टूरिस्ट की बस है यहाँ से टैक्सी वगैरह बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो अभी गाइड किया उन्होंने कि आप टैक्सी वगैरह अवॉइड करें, क्योंकि हमारी जो टीम है उन्होंने आज पहुंचना था लेकिन फ्लाइट्स डिले हो गई हैं, सब डॉक्टर्स वगैरह और उनका क्या प्रोफेशन अभी तक नहीं पहुँच सकती, तो आ रहे हैं तो इंशाल्लाह कल से जो है ना हमारा प्रॉपर नहीं है विजिट स्टार्ट होगा, रिसर्च हमारी स्टार्ट होगी, इसके बाद आपको कल बेहतर काफ़ी बिजी सिटी है। अमोनिया स्टेशन पहुँचो, यहाँ से वॉकिंग टाइम स्क्वायर वगैरह जो स्क्वायर स्टेशन या स्क्वायर पार्किंग का वॉकिंग को तो 25 मिनट्स है यहाँ से, लेकिन बस का विज़िट करना चाह रहा हूँ कि देखता हूँ कि कैसा रहता है ये आज का विज़िट, तो मेरे साथ रहिए। गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो जो भी विज़िट करें सनस्क्रीन का इस्तेमाल ज़रूर करें। और इस सिटी का जो विज़िट है अराउंड 10 to 12 यूरो आपका एक्सपेंस आएगा। जो सबसे जो मुश्किल चीज़ है यहाँ पे, जितने भी टूरिस्ट आ रहे हैं उनको ग्रीस की लैंग्वेज नहीं आ रही और जो यहाँ का इंग्लिश स्पीकिंग है उनको उन्हें समझाना नहीं आ रहा, तो ये काफ़ी लाइक डिफ़िकल्ट हो रहा है एक दूसरे को समझाने में। यहाँ पे टिकट्स ले लिए हैं 23 यूरो अ डे इनका टोटल टिकट का और ट्रैवलिंग का एक्सपेंस है यहाँ पर, जो पहले मैं बता रहे थे वो 10 यूरो का वो नहीं है। बस में इंटर हो चुके हैं, अभी टॉप पे जा रहा हूँ और आपको फिर विजिट करा भी आए। सर्च करना चाहिए होना चाहिए। ये हम करस्की स्क्वायर पहुँच जाए यहाँ पर, ऑलमोस्ट 20-30 मिनट्स का ये हमारा स्टॉप होगा और फिर आगे फर्दर मूव करेंगे। मैं आपको डिटेल वीडियो और डिटेल इंफॉर्मेशन हर जगह की आपको डेज या 3 डेज के बाद मेरी टीम आ जाएगी और विजिट करेंगे, आपको डिटेल जैसे दुनिया हर मुल्क में सेल वगैरह लगी होती है, चीज़ें एम्पायर शॉप की होती है और सेल हो रही होती है, बार्गेनिंग बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पर एज़ कम्पेयर टू अमेरिका, क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है यहाँ पर। यहाँ पर
गर्मी बहुत ज़्यादा है, वो बहुत ही ज़्यादा, मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। सनस्क्रीन जो भी विजिट करे सनस्क्रीन हमें सबसे। तो यहाँ टर्मिनल पे हम अभी पहुँचे हैं, तो यहाँ पे हमारा स्टॉप ऑलमोस्ट 10 मिनट्स के लिए है। तो मैं आपको विजिट कराता हूँ। पर हवा बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है। एक डिफरेंट चीज़ लगी है मुझे यहाँ पे, जो बाइक्स हैं सब एक तरह के और डिफरेंट हैं एज़ कम्पेयर टू जिस तरह हमारी कंट्रीज़ में होते हैं। जो एथन की हिस्ट्री है, ये तो यूरोप का कैपिटल था और अराउंड 3400 ईयर पुरानी इसकी हिस्ट्री है। और जो इसके सबसे जो यूनिक बात है कि इसके इर्द गिर्द जितने भी माउंटेंस हैं, पहाड़ हैं, वहाँ से सिल्वर बहुत मकदार में निकलता है। फूड वगैरह बहुत अच्छा है, ऑर्गेनिक फूड है मोस्टली, बहुत अच्छा है टेस्ट में, और जूसेस वगैरह बहुत अच्छे हैं यहाँ के। सेकंड ऑलिव वगैरह और ये लोग खाने में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जिस तरह तुर्किश फूड है सेम वही इनकी रेसिपीज हैं ऑलमोस्ट। मैं आपको बताता चलूं कि बड़ा अच्छा लगा ये जब मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिली कि अफलातून और अरस्तु की एजुकेशन भी इसी शहर से उनकी तालीम का आगाज़ हुआ था, क्योंकि मैं उनकी स्टडी यहाँ की थी। एक डेमोक्रेसी की हिस्ट्री में एक बहुत नाम है एथेंस का, और कुछ लोगों से जब मैंने इस बारे में डिस्कस हुआ तो ये बताया गया कि एथेंस के अंदर एंटोनियो या एंटोनियो के नाम से देवी के नाम पे इस शहर को रखा गया था, इसका नाम रखा गया। तो यहाँ पे ओलंपिक्स गेम्स का भी आगाज़ यहीं से हुआ था, जो बिगनिंग में ओलंपिक गेम्स जो जीती जाती थी उसके लिए उन्हें ड्राई फ्रूट के जुड़े हैं और कुछ गिफ्ट उन्हें दिए जाते थे। तकरीबन 1500 के करीब यहाँ पर टेम्पल्स हैं, थिएटर्स हैं, और इस सिटी की जो खसूसियात ये थी कि यहाँ पर बिगनिंग में डिफरेंट मसाइब की प्रैक्टिस की जाती थी। यहाँ पर जो नब्बे का भी आगाज़ था इस्लामोफोबिया बहुत ज़्यादा था इस जगह पर, इतना मुझे ये चीज़ें दिखाई नहीं थी। ये एक्रोपोलिस म्यूज़ियम है यहाँ पर, और मैं आज आपको डिटेल विज़िट अंदर का नहीं करा रहा, ना इस बारे में बता रहा, क्योंकि 2 से 3 दिन बाद हम अपनी टीम के साथ ही आएंगे, तो मैं आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन यहाँ की दूंगा। ये ग्रीक सिविलाइजेशन का एक सिंबल है, यहाँ पे आपको डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट जो यूरोपियन कल्चर है हर चीज़ आपको यहाँ पर। ओलिव गार्डन बर्तर मौजूद हैं, ओलिव यहाँ का बहुत फेमस है और ये वर्ल्ड वाइड ब्रांड किया जा रहा है यहाँ से। आप एक्रोपोलिस का व्यू देख रहे हैं यहाँ से। मैं आज यहाँ जाऊँगा नहीं, लेकिन मैं इसके लिए ज़रूर आऊँगा और आपको कुछ
हिस्ट्री के बारे में बताऊँगा इसका, कि जो फर्दर हमारा दूसरा टूर होगा हमारी टीम के साथ इंशाल्लाह परसों पर। मेट्रोपोलिस पहुंचाया, यहाँ पे 15 मिनट्स का स्टॉप हुआ था, और अगर बस मिस हो जाए तो कोई मसला नहीं, बाकी बसेस पीछे आ रही हैं, अब एवरी 15 मिनट्स बाद आपको दूसरी बस मिल जाएगी। मैं सोच रहा हूँ वहाँ पे जाऊँ या ना जाऊँ, काफ़ी दूर है यहाँ से, क्योंकि परसों हमने टीम के साथ भी आना है, तो बेटर है कि आज इसके सराउंडिंग में रहते हैं वहाँ नहीं जाते हैं। मैं आपको यहाँ से आपको दूर से इसका व्यू करा देता हूँ एक्रोपोलिस का। एक ग्रीक हिस्ट्री का नाम है, एक सिविलाइजेशन है, एक यूरोपियन कल्चर को यहाँ दिखाया गया है। वो सिर्फ ये एक नहीं है, यहाँ पे जो मुझे अभी जो मेरी इन्फॉर्मेशन में है जो अभी तक मैंने सर्च किया, यहाँ 1500 के करीब एक्रोपोलिस हैं ऐसे। और सेकंडली लोगों का मानना, डिफरेंट खुदाओं का मानना, यहाँ पे बुद्ध वगैरह आइडल्स तैयार किए गए हैं, जो पिटम्स तैयार किए गए हैं, एक हिस्ट्री है इनकी। बग्गी टांगा भी यहाँ पर है अगर आप विजिट करना चाहते हैं। यहाँ पे ये देखें, आपके लिए म्यूज़िक का इनका भी किया गया है, आप म्यूज़िक सुने, लेकिन सुनने के बाद इनकी हेल्प भी करें, क्योंकि ये आपके लिए कर रहे हैं सब कुछ, ताकि आपको आपका विजिट, आपका ट्रिप, आपकी वॉक एक अमेजिंग वे में बताएं। स्कूल के बच्चों का ट्रिप आया हुआ है, ये डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज से आए हुए हैं। मेरी तो आंखें नहीं खुल रही हैं। एक फैमिली है यहाँ पे टांगा का विजिट कर रहे हैं। सिक्योरिटी डॉग भी अवेलेबल है। जितने भी लोग हैं यहाँ पे विजिट करने आते हैं, जब वो यहाँ कोई चीज़ खरीद रहे होते हैं या पे कर रहे होते हैं, तो बिल्कुल उदास से हो जाते हैं, शायद बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लग रहा है उन्हें एज कम्पेयर टू जब वो अपनी कंट्री से यहाँ पर आते हैं। सर्जरी के लिए यहाँ पे डोनेशन कलेक्शंस के लिए बैठे हुए हैं। जब भी आप ऐसे लोग देखें उनकी हेल्प ज़रूर करें, लाजमी नहीं कि वो सर्जरी के लिए कलेक्ट कर रहे हैं, उनके खाने पीने का इंतजाम हो जाएगा आपके दिए हुए पैसों से। तो चलें इनकी हेल्प करते हैं, मैं वीडियो बंद करता हूँ, चलें आगे चलते हैं। ये देख रहे हैं एक्रोपोलिस की आप हिस्ट्री, देख रहे हैं इसका आर्किटेक्चर डिज़ाइन, देख रहे हैं पिक्चर्स पे बहुत अच्छा लगता था, लेकिन आई रियल में देख रहा हूँ तो इट्स अमेजिंग, बहुत ज़बरदस्त।
इंसान हैरान हो जाता है कि ऐसी चीज़ें भी कि हमारे पुराने लोगों ने किस तरह बनाई होंगी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर ऑलमोस्ट 1500 से ज़्यादा टेम्पल्स हैं, चर्च हैं, इबादतगाहें, जो कुछ है किसके आसपास मैं आपको सिर्फ इनका बाहर से व्यू दिखाऊंगा। गर्मी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा गर्मी है। सनस्क्रीन, फेस मास्क, इलेक्ट्रोलाइट वाटर अपने साथ ज़रूर रखें जब आप ट्रैवल करें, क्योंकि हीट स्ट्रोक के चांसेस आई थिंक यहाँ पे ज़्यादा हैं। एक दो लोगों को तो मैंने देखा भी है। तो अपने साथ गर्मियों में लिक्विड ज़रूर रखें, इलेक्ट्रोलाइट्स। जो सिंपल वाटर है वो भी इतना अच्छा नहीं रहता, नमक वगैरह या निमकोल वगैरह या उसके अंदर लेमन पड़ा हुआ हो या ऑरेंज जूसेस हो, वो आप उसमें मिक्स करके अपने साथ जरूर रखें जब भी ट्रैवल करें। तो चलते हैं, आपको आगे विजिट कराते हैं। मुझे ऑलमोस्ट 25 मिनट्स हो चुके हैं मैं इसके इर्द गिर्द ही विजिट कर रहा हूँ एक्रोपोलिस के, और मैं हैरान हूँ कि ये किस तरह इन्होंने उस टाइम बिल्ड किया था, कि बहुत ही एक टॉप माउंटेन पे बना हुआ है और उसके बाद इसके जो स्टोन्स वगैरह लगाए गए हैं, इसकी डिफेंसिव वॉल्स जो बनाई गई हैं, इट्स अमेजिंग। ये मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूँ। इसके एरिया के अंदर जो कब्रें देख सकते हैं, 100 ईयर 1000 ईयर 2000 ईयर्स ये पुरानी कब्रें हैं। यहाँ पर कुछ की हिस्ट्री उनके ऊपर लिखी हुई है, मोस्टली अननोन है, क्योंकि यहाँ पर जंगें बहुत ज़्यादा लड़ी गई थी डिफरेंट रिलीजन्स की, डिफरेंट कबाइल्स की। देख लो हिस्ट्री है इस एरिया की। एक्रोपोलिस म्यूज़ियम मैं आज नहीं जाना चाह रहा यहाँ पर, ये देख लें यहाँ से इसका स्टार्ट होता है। ओवरव्यू आपको बता दूँ इसका।